स्टूडेंट्स, नाइवर नंबर का प्रोग्राम अगर सी एप्लीकेशन में करना है तो कैसे करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा नाइवर नंबर क्या होते हैं। जैसा कि नाइवर नंबर अगर देखा जाए तो नाइवर नंबर इज इन अ गिवन नंबर बेस इज एन इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट व्हेन रिटन इन द दैट बेस। तो कहने का मतलब सबसे पहले ये है, अगर सपोज आपने 126 यहाँ पे एक नंबर पास किया, सपोज अगर आपने 126 एक नंबर पास किया तो यहाँ पे ईच डिजिट का हमें सम करना है, तो 1 + 2 + 3 तो इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आपको 6 कैलकुलेट होगा। तो 126 जो पर्टिकुलर नंबर है वो पर्टिकुलर नंबर को अगर डिवाइड करते हैं 6 से, अगर ये पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है देन ये इस पर्टिकुलर नंबर को क्या बोलेंगे, यहाँ पे नाइवन नंबर। अगर सपोज ये पर्टिकुलर नंबर आपका डिविजिबल नहीं है अपने सम से देन इस पर्टिकुलर नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉट नाइवन नंबर। इस तरीके से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिजाइन करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हैश इंक्लूड यहाँ पे stdio.h, सबसे पहले आपको एक हेडर फाइल यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, studio.h टाइप की एक हेडर फाइल आपको डिफाइन कर लेनी है। आफ्टर दैट आपको आपको यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन करना है, तो यहाँ पे int main, यहाँ पे एक मेन फंक्शन पास करेंगे। तो अब मेन फंक्शन में आपको यहाँ पे रिटर्न जीरो, यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न जीरो। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये फ्रेम डिजाइन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे नाइवन नंबर का अगर सपोज प्रोग्राम डिजाइन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो पर्टिकुलर नंबर क्या होगा इसके बारे में हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट पास करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट, हमें एक नम वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर नंबर को हमें ईच डिजिट को यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पे सम वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो सम की हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे हम 0 फिक्स कर ले रहे हैं इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक नंबर की हमें यहाँ पे सम की रिक्वायरमेंट थी, इस तरीके से हम यहाँ पे टू वेरिएबल सपोज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक मैसेज पास कर देना है, यहाँ पे क्या मैसेज पास करना है, एंटर द नंबर, यहाँ पे एक मैसेज पास कर देना है, एंटर द नंबर। जैसे आप मैसेज पास किए यहाँ पे स्कैनर फंक्शन यूज करना है, अब इसके थ्रू यहाँ पे इनपुट पास कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है परसेंटेज टी, इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे एम परसेंट, और यहाँ पे नंबर में एक इनपुट पास कर देना। सपोज यहाँ पे जैसे आप ये पर्टिकुलर लाइन आप यहाँ कंसीडर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नंबर पास करना है 126। सपोज आपने 126 एक नंबर पास कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब इस पर्टिकुलर नंबर को सम करना है। तो अगर आपने यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर को सम करेंगे तो उसकी एक कॉपी भी डिजाइन करनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर नंबर की यहाँ पे क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर को अगर हम सम करते हैं तो नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे इंट इस पर्टिकुलर नंबर की एक कॉपी तैयार कर लेंगे, कॉपी इज इक्वल टू नंबर, हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर की कॉपी तैयार किया। अब इस कॉपी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉपी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 126। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे व्हाइल लूप अप्लाई करना है। व्हाइल लूप के थ्रू इस पर्टिकुलर नंबर का हमें क्या करना है, इस डिजिट को सेपरेट करके यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉपी, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, कॉपी इज ग्रेटर देन यहाँ पे 0 या फिर नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पे कॉपी ग्रेटर देन 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस, अब आप यहाँ पे किसका सम चाहिए, यहाँ पे डिजिट का, तो आपको डिजिट सेपरेट करना है, तो आपको लिखना होगा कॉपी यहाँ पे मॉडुलस 10, यहाँ पे बेस आपका क्या है 10। अब आपको यहाँ पे आप जैसे कॉपी मॉडुलस 10 करेंगे तो 126 मॉड 10 करते हैं तो आपको यहाँ पे 6 कैलकुलेट होगा, तो सम की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे लिखना है कॉपी, कॉपी इज इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाय 10, आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 10। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ईच डिजिट का यहाँ पे सम आपको फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे ईच डिजिट का सम फाइंड आउट हो जाएगा देन आपको यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करना है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने आपको बताया था जो पर्टिकुलर नंबर है, नंबर आपका क्या है 120, अगर ये पर्टिकुलर नंबर आपका यहाँ पे डिविजिबल होता है अपने सम से, जो आपने सम कैलकुलेट किया है इस डिजिट का, इस पर्टिकुलर नंबर के सम के
अगर डिविजिबल है, अगर पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है तो देन डबल अगर जीरो आता है तो नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज नंबर डिविजिबल है तो आपको यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन अप्लाई करके एक मैसेज पास करना है यहाँ पे नाइवेन नंबर, यहाँ पे क्या लेना है नाइवेन नंबर। इस तरीके से आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम डिजाइन करना है। अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पे एल्स पार्ट में आपको एक मैसेज देना है प्रिंट एफ फंक्शन अप्लाई करके यहाँ पे एक मैसेज दे देना है। यहाँ पे क्या मैसेज दे देना है, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे लिखना है नॉट नाइवेन, यहाँ पे नॉट नाइवेन नंबर। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको सी एप्लीकेशन में कैसे डिजाइन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन करना है, देन यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने यहाँ पे नम और सम वेरिएबल यहाँ पे पास किया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक नम में वैल्यू पास किया, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया देन हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर की कॉपी तैयार कर ली। अब जैसे हमें कॉपी फाइंड आउट हो गई देन हमने यहाँ पे इस डिजिट का सम फाइंड आउट किया। इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर टेक्निक को अप्लाई करके इस डिजिट का सम कैलकुलेट किया। अगर ये पर्टिकुलर नंबर अपने सम से डिविजिबल है देन उस पर्टिकुलर नंबर को हम क्या बोलेंगे, नाइवेन नंबर, नहीं तो ये पर्टिकुलर नंबर आपका क्या है, नॉट नाइवेन नंबर। इस तरीके से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपको डिजाइन करना था। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए राइट क्लिक, यहाँ पे रन कोड, तो इस तरीके से एक टर्मिनल विंडो यहाँ पे ओपन होगी। थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक मैसेज पास करना है एंटर दी नंबर। जैसे आप यहाँ पे नंबर पास करेंगे, अगर सपोज नंबर कर यहाँ पे इस डिजिट को सम करने पे अगर उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है देन आपको रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा नंबर इज नाइन। जैसे यहाँ पे एंटर दी नंबर हमने पास किया 126, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो रहा है नाइवेन नंबर, क्योंकि 126 डिविजिबल है अपने सम से। सेम इसी तरीके से आपको कैसे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिजाइन करना था इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर सपोज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।